आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास सेवन्थ, एक्सरसाइज 1B, मैथमेटिक्स। हम लोगों ने बच्चों लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ पी इज इक्वल टू ABCDE एंड क्यू इज इक्वल टू है AEIOU, देन फाइंड हमने पहले इसके पार्ट में यानी ए पार्ट में करना है P-Q, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो P-Q डिफरेंस है, और डिफरेंस में मैंने कल भी आपको बताया था जब डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि P-Q का ये मतलब है कि वो एलिमेंट्स जो P में हैं और Q में नहीं है वो हमारा आंसर होता है। यानी कि ये देखें ABCDE-AEIOU, तो ए यहां भी है, यहां भी है, खत्म। बी यहां है लेकिन यहां नहीं है, तो सबसे पहले हमारा बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, और ई जो है यहां है तो वो कैंसिल हो जाएगा। जो बाद के आई ओ यू है ना, ये हम नहीं देखते होते, ये नहीं, सिर्फ पहले सेट को मैच करना होता है दूसरे सेट के साथ। जो सेम होते हैं उनको छोड़ देते हैं पहले सेट के दूसरे में, और जो बाकी होते हैं उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह इसका बी पार्ट है, उसमें हमने क्यू माइनस पी करना है। अब हम क्यू पहले रख लेंगे, तो क्यू आपके पास है क्यू माइनस पी इज इक्वल टू AEIOU माइनस ABCDE। अब ये देखें ए यहां भी है, यहां भी है, कैंसिल। ई यहां भी है, यहां भी है, कैंसिल। बाकी आई ओ यू यहां है, यहां नहीं है, तो हमारा आई ओ यू ये आंसर आ जाएगा। बाकी हमने दूसरे सेट के नहीं देखने, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, आपको यूनिवर्सल सेट दे दिया गया है। इफ यू इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 up to so on 10 एंड ए इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7 एंड बी इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8। ये हमारे पास सेट्स आ गए हैं। हमने पहले जो पहला पार्ट है उसमें हमने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो सॉल्यूशन इसका देखें। ए कॉम्प्लीमेंट का ये मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दें, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ए पहले और यू बाद में लिखते हैं, वो गलत होता है। हमेशा जो यूनिवर्सल यानी यू वाला सेट है, बड़ा सेट है, उसको पहले लिखना है, और जिस चीज का कॉम्प्लीमेंट है यानी ए का कॉम्प्लीमेंट था तो वो बाद में लिखेंगे। अगर यहां बी कॉम्प्लीमेंट होता तो यहां हम लोग बी लिखते। तो यू आपके पास आ जाएगा 1, 2, 3 up to 10 माइनस ए सेट हमारे पास है 2, 3, 5, 7 2, 3, 5 and 7। तो डिफरेंस है यानी 1 यहां है, यहां नहीं है, तो 1 आ जाएगा, 2 कैंसिल, फिर 3 भी कैंसिल, फिर उसके बाद 4, 5 कैंसिल 6, 7 कैंसिल 8, 9 और 10। ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट निकल आया। बी का कॉम्प्लीमेंट है, बी पार्ट आप लोग खुद करोगे। इसी तरह आपके पास यू कॉम्प्लीमेंट है, इसका सी पार्ट है यू कॉम्प्लीमेंट। यू कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है बच्चों। यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आप यू में से यू को माइनस करो। तो यू में से यू को माइनस करने का मतलब ये है कि आप 1, 2, 3,
अप टू 10 में से माइनस कर दें 1, 2, 3 अप टू 10, यानी सारे ये एलिमेंट माइनस हो जाएंगे तो एम्प्टी आपका आंसर आ जाएगा। आप एम्प्टी इस तरह लिख सकते हैं या खाली ब्रैकेट लगा सकते हैं, दोनों ही ठीक है, ये आपका आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास जो है वो इसका डी पार्ट है कि एम फाइव का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। अब फाइव कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि यू में से माइनस कर दें एम्प्टी, यानी कुछ भी नहीं, यू है आपके पास 1, 2, 3 अप टू 10 माइनस एम्प्टी, तो ये आपके पास देखें 1, 2, 3 में से कुछ भी नहीं निकल रहा, तो ये पूरा ही आपके पास आ जाएगा 1, 2, 3 अप टू 10, ये किसके बराबर है, यू के बराबर। तो यू का जो कॉम्प्लीमेंट सॉरी फाई का या एम्प्टी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो यूनिवर्सल सेट ही होता है। नेक्स्ट आपके पास बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का ही बी पार्ट देख लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट ये हमने फाइंड करना है, तो B कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि U में से B को माइनस कर दें। U आपके पास है 1, 2, 3 अप टू 10 और B आपके पास है 5, 6, 7, 8 देखें जब हम लोग यहां से माइनस करेंगे 1, 2, 3, 4 तक आ जाएगा 5, 6, 7, 8 माइनस, तो 9 और 10 साथ आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो बेटा इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, इन दोनों क्वेश्चंस की जो हमने किए हैं इनको समझने की कोशिश करें, इनकी एग्जांपल्स देखें, इसकी डेफिनेशन को दोबारा से करें, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं।